वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एनसीईआरटी का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि बेटा ये जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन कि इसके अंदर जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, उसमें लर्निंग बहुत है। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके आने वाले सालों में भी काम आएंगी और आपके एग्जाम्स में जरूर आएगा आज की वीडियो में से क्वेश्चन। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखनी है आपको। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। इन अ क्विज, कोई क्विज हुआ होगा, टीम ए को स्कोर मिले हैं 1, 2, 3। ये 3 स्कोर हैं, इसका मतलब 3 राउंड्स हुए होंगे। फिर टीम बी का भी स्कोर गिवन है, उसके भी 3 स्कोर दिए हुए हैं, यानी इसका मतलब 3 राउंड के स्कोर इसके भी हैं। 3 सक्सेसिव राउंड लिखा हुआ है उन्होंने। किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया? भाई ज्यादा स्कोर किसने किया ये तो प्लस करके ही पता चलेगा। रिजल्ट कैसे निकालते हो, कौन जीतेगा? तो स्कोर उनके टोटल करोगे ना, तो आओ टोटल स्कोर करते हैं दोनों के पहले। तो टोटल स्कोर बाय टीम ए कैसे पहले लिखा जाता है, सीधा कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं किया जाता। पहले हम लिखेंगे -40, फिर हम लिखेंगे +10, +0। आप देख रहे हो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, ब्रैकेट यूज करने चाहिए, इंटीजर्स में ब्रैकेट बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों रहते हैं, अभी बताऊंगा। -40 ब्रैकेट हटा दो, अब +10 ब्रैकेट हटा दो, +0, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगा भी दिए तो कोई बात नहीं, इसको तो देखो भी मत। इन दोनों नंबर को आपको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व होंगे, इसका साइन प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 40 में से 10 को कर दिया माइनस। ये तो हो गया, पता लग गया कि करना क्या है। उसके बाद साइन बड़े नंबर का, ये 2-स्टेप कैलकुलेशन होती है। ठीक है, आओ टीम बी का स्कोर भी प्लस कर लें। टीम बी को पहले राउंड में मिले 10, फिर दूसरे राउंड में मिले 0, ब्रैकेट यूज कर रहा हूं बेटा, प्लस 3 थर्ड राउंड में -40। अब आपने देखा यहां पे डबल साइन आ गए ना। अगर मैं ब्रैकेट यूज नहीं करता, प्लस -40 ऐसे लिखता, तो ये मैथ्स में लिखने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अगर डबल साइन आते हैं तो ब्रैकेट तो जरूर यूज करना पड़ता है, इसीलिए आपको माइनस आए तब तो करना ही करना है ब्रैकेट जरूर। ठीक है, अब आप देखो ये इसका ब्रैकेट हटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का नंबर है, इसका जीरो का तो कोई फर्क नहीं पड़ना। बस 40 के अंदर डबल साइन नजर आ रहे हैं, ये मेन है, प्लस माइनस माइनस 40। जब आप ये चीजें सॉल्व कर लो तो उसके बाद प्लस माइनस की बात किया करो। ठीक है, आओ अब इस जीरो को भी ध्यान मत दो, इसकी तो वैल्यू ही नहीं है। प्लस का 10 है आपके पास, माइनस का 40 है, इनको ऐड करना है। तो 40 का साइन माइनस, 10 का प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। अगर आपको ये ऑपरेशंस लगाने नहीं आते बेटा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूं, जाके एक बार सीख लो सही से, अगर आज भी आपको ये दिक्कत आ रही है तो। प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 40 गए यानी 30। ठीक है, और साइन बड़े वाले का, गॉट इट। अब वो बोल रहे हैं कि भाई कौन जीता, किसने स्कोर मोर किया, अरे भाई दोनों के ही -30 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, both of them have same score आया ना, yes or no? -30 -30। अब इसमें उन्होंने, आपने देखा -40 10 0, हमने कैसे किया, पहले -40 को, फिर 10 को, फिर 0 को। दूसरे में नंबर तो वही है, बस 10 पहले कर दिया, 0 सेकंड नंबर में, -40, यानी सेम क्यों नहीं आएगा जब स्कोर ही सेम है। बस ऐड करने का ऑर्डर चेंज हो गया, ध्यान देना। ऑर्डर मतलब होता है, इधर -40 को सबसे पहले कर रहे हैं, इसमें सबसे बाद में लिख रहे हैं, इधर 10 को पहले लिख रहे हैं, 0 को देखो सेकंड में, यानी ऑर्डर ही चेंज कर दिया, आगे पीछे नंबर कर दिए गए हैं। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, देख लो हमारे आंसर तब ठीक आए हैं ना। यानी इसका मतलब अगर कोई आपको 3, 4, 5 ऐड करने के लिए दे, और आप उसको 5, 4, 3 ऐड करके दे सकते हो या नहीं दे सकते? ये भी तो इंटीजर ही है, हम बोलेंगे यस। हम चाहे नंबर किसी को पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो लिखेंगे यस। उन्होंने पूछी है ये बात, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? यस, वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्योंकि चाहे ऐसे ऐड करूं तब भी आंसर सेम आएगा, अगर ऐसे ऐड करूं अगर नंबर सेम है तो आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है बेटा, आओ बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए। हाँ बेटा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कनेक्ट होने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, और आप उनसे सीखते रहें। ठीक है बेटा, और लाइक कमेंट करके बताया करो वीडियोस कैसी लग रही हैं, और शेयर भी किया करो अगर अच्छी लगे तो। ठीक है बेटे,
आओ बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। पहले जो भी चीज दी है ना उसको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए हमारे को। देखो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में एक बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये कह रहे हैं जो कुछ इक्वल के लेफ्ट में है वही इक्वल के राइट में होनी चाहिए, तभी स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी। अब यहां पे 5 माइनस के साइन के साथ खड़ा हुआ है, 8 भी माइनस के साइन, यानी दो लोग खड़े हैं, यानी दो नंबर खड़े हैं। इक्वल के राइट में सिर्फ ये एक खड़ा है, तो स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए ये दोनों वहां पे होने चाहिए। चलो ये वाला बंदा तो यहां खड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला नंबर तो नहीं खड़ा ना, इस नंबर को यहां लिख दो। अब ये है तो बहुत इजी, देखते ही पता चल जाता है, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम में कई बार क्या आता है, वो ये भी आपको फिल दे देते हैं, ये भी करके दे देते हैं, यानी आपसे पूछते ही नहीं कि यहां क्या आएगा, वो ये भी दे देंगे ये भी दे देंगे। पूछेंगे इसमें कुछ नजर आ रहा है, हम पूछेंगे हाँ प्रॉपर्टी नजर आ रही है मुझे, तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है। देखो इन्होंने माइनस फाइव पहले लिखा, माइनस एट बाद में, और राइट में क्या करें, माइनस एट पहले माइनस फाइव बाद में, यानी ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं, टू नंबर्स और ऑर्डर रिवर्स करके ऐड कर रहे हैं। तो बेटा ये एक प्रॉपर्टी है इंटीजर्स के अंदर, कुछ बच्चों को शायद पता भी हो, अगर इस प्रॉपर्टी के कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका है कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि ये इंटीजर्स चैप्टर आप पढ़ रहे हो इसलिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ना और नंबर्स में भी होती है, सिर्फ इंटीजर्स में नहीं होती। कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर, ये जो प्लस का साइन नजर आ रहा है ना, क्योंकि प्लस में नजर आ रही है, ये देखो प्लस के साइन है, इसलिए अंडर एडिशन लिखा जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई का होता तो अंडर मल्टीप्लीकेशन लिखा जाता। तो बेटे प्रॉपर्टी का नाम है, इस प्रॉपर्टी ने हमें ये बताया था कि चाहे आप ऑर्डर चेंज कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इन प्रॉपर्टीज, जो भी हर एक में प्रॉपर्टी है, जो इन प्रॉपर्टी की डिटेल जानना चाहता है, बेटे आपको सारी वीडियोस मैं दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं मेरा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए प्रॉपर्टी पर बेस मैं कर लूं, तो उनको वो वीडियोस देख लेनी चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। ये देखिए इधर क्या है, माइनस 53 प्लस, इधर ब्लैंक छोड़ दिया इक्वल, पहले ध्यान से देखा करो, माइनस 53 में कुछ ऐड कर दे तब भी आंसर माइनस 53 रहे, अरे ये कैसे हो सकता है। आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, मैं आपको कुछ चॉकलेट दे भी दूं फिर भी 5 ही रहे, ये कैसे हो जाएगा। हाँ दे दो ना, 0 चॉकलेट दे दो, 5 थी 5 रहेंगी, तो यानी 0 आएगा यहाँ पे, यानी ये एक ऐसा नंबर है जो आंसर को सेम रखता है एडिशन के अंदर, ठीक है। इसको हम पता क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इस 0 को नाम दिया गया, ये बहुत स्पेशल नंबर है, एडिटिव आइडेंटिटी, किसकी, इंटीजर्स की, क्योंकि रैशनल की अलग होती है, होल नंबर की अलग, अलग अलग नंबर की अलग होती है, इसलिए लिखना पड़ता है इंटीजर्स का एडिटिव आइडेंटिटी है। चलो भाई ठीक है, अब 17 में क्या प्लस करें, 0 आ जाए, यानी आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, मैं आपको और क्या दूं कि आपके पास 0 रह जाए। आप बोलोगे सर 2 तो कुछ मत, ये जो 5 है ना मुझसे ले ही लो, यानी 5 देना प्लस का साइन है, तो 5 ले लो मतलब 5 माइनस कर लो मुझसे, तो 0 चॉकलेट रह जाएंगी मेरे पास। तो अगर कोई नंबर प्लस का हो आपके पास, उसके ऑपोजिट साइन का नंबर यहां पे लगा दो, ये प्लस 17 है, इसका मतलब ये आपको 17 चॉकलेट्स आपको दी हुई हैं, ये मैंने आपसे ले ली, आपके पास क्या बचेंगी, 0, यानी सेम नंबर का साइन चेंज कर दो। इसका ये जो साइन चेंज करना है ना, इसको भी प्रॉपर्टी का नाम दिया हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस मतलब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, एडिटिव इनवर्स, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इन बातों को बहुत। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्टा कर देना, उल्टा क्या, साइन उल्टा करना है, क्योंकि एडिटिव है ना, एडिटिव में साइन उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब ये एडिटिव, एडिटिव वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो सारे ही एड वाले क्वेश्चंस है, तो एडिटिव वर्ड तो आएगा ही ना। अच्छा ये देखो 3 वाली है बेटा, 1 2 3, 3 नंबर्स, 1 2 3। अब वही बात है, इक्वल के लेफ्ट में जो नंबर है वही नंबर राइट में होने चाहिए, राइट में देखो 3 नंबर्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, लेफ्ट में क्या है वो 3 नंबर्स, पहले ढूंढ तो लो, 1 है 2 है, कौन सा नहीं है भाई, ये नहीं है -7, चलो जी ये तो हमने लगा दिया।
लेकिन अगर वो पेपर में पूछ लें कि भाई अच्छा प्रॉपर्टी भी बता दो, तो हम प्रॉपर्टी भी उनको बताएंगे। थ्री नंबर की प्रॉपर्टी इन्होंने क्या कर रखा है, पहले दो नंबर पे ब्रैकेट लगा रखा है, तीसरा खाली छोड़ा है। राइट साइड में क्या रखा है, सेकंड टू में ब्रैकेट है, पहला खाली छोड़ा है। यानी किसी भी ऑर्डर में ऐड हम कर सकते हैं, चाहे हम ब्रैकेट पहले दो में लगा के ऐड करें, चाहे बाद के दो में लगा के फिर ऐड करें। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसकी, इंटीजर्स की है भाई, इंटीजर्स चैप्टर है तो इंटीजर्स की है ना। अंडर नहीं लिखोगे क्या, कौन से साइन के अंदर है ये, प्लस प्लस नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे, अंडर एडिशन। तो प्रॉपर्टी का पूरा नाम भी लिखना आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा करवाया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, डू योर सेल्फ, मुझे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है और ब्लैंक में क्या आंसर आएगा। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, प्रैक्टिस के बिना मैथ्स कुछ नहीं है। ऑल द बेस्ट।